आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अब वसीम रिजवी को किस नाम से जाना जाएगा? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। मुझे इस्लाम से बाहर कर दिया गया है। हमारे सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है। आज मैं सनातन धर्म अपना रहा हूँ। जी हाँ, यही बातें कहकर आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में से एक वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गए। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने पहले ही घोषणा की थी कि वो सोमवार को इस्लाम छोड़ सनातन धर्म में शामिल होंगे। आपको बता दें कि वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कराया। इस दौरान दासना मंदिर में कई अनुष्ठान भी हुए। जी हाँ, अब वसीम रिजवी का नाम भी बदल गया है और अब उनका नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। आपको बता दें कि वसीम रिजवी के सनातन धर्म अपनाने के ऐलान से ही राजनीति में हलचल मच गई है और इसे लोग घर वापसी बता रहे हैं और वसीम रिजवी खुद इसे घर वापसी कह रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी हैं कौन। आपको बता दें, वसीम रिजवी वो शख्सियत हैं जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मे वसीम रिजवी खुद एक शिया मुस्लिम है। रिजवी एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता रेलवे के कर्मचारी थे। रिजवी के पिता का बचपन में ही इंतकाल हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी शिक्षा भी ग्रहण की। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने 12वीं तक की शिक्षा हासिल की और आगे की पढ़ाई नैनीताल के कॉलेज में की थी, जिसके बाद वो सऊदी अरब चले गए और वहाँ पर काम करना शुरू किया, जिसके बाद वो जापान भी गए और वहाँ एक कारखाने में काम किया, जिसके बाद वो अमेरिका गए और वहाँ जाकर एक स्टोर में नौकरी भी की। उनके राजनीतिक करियर की अगर बात करें, जब उनके राजनीतिक संबंध अच्छे होने लगे तो उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ा था, जिसके बाद ही उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद वो वक्फ बोर्ड के सदस्य बने और उसके चेयरमैन बने। आपको ये भी बता दें कि वसीम रिजवी लगभग 10 सालों तक बोर्ड में रहे। वसीम रिजवी साल 2000 में पुराने लखनऊ की कश्मीरी मोहल्ला वार्ड से समाजवादी पार्टी के नगर सेवक चुने गए। 2008 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य बने। 2012 में शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में हेरफेर के आरोप में घिरने के बाद सपा ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी और वहां से उन्हें राहत मिली थी। आपको बता दें, कहा यह भी जाता है कि बयानों के सहारे ही वसीम रिजवी की राजनीति चमकी है और इसके लिए राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि रिजवी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुस्लिम विरोध का सहारा लिया है और उन पर इस्लाम विरोधी होने के आरोप भी लगे, इसीलिए इस्लामी इमामों ने उन्हें इस्लाम से निकालने का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि अगर उनके विवादित बयानों पर नजर डालें तो ये उनके विवादित बयान हैं जो उन्होंने समय समय पर दिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा था कि देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दे मुसलमान। इसके बाद उनका एक और बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की धरती पर कलंक की तरह है बाबरी ढांचा। इसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया, पैगंबर मोहम्मद साहब अपने कारवां में सफ़ेद या काले रंग का झंडा प्रयोग करते थे। इसके बाद उन्होंने इस्लामी मदरसों को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामी मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। यही नहीं, मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है, आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जानवरों की तरह बच्चे पैदा करने से देश को नुकसान हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने चांद तारे वाले हरे झंडे को इस्लाम का धार्मिक झंडा नहीं माना था। उनका कहना था कि झंडा पाकिस्तानी मुस्लिम लीग से मिलता जुलता है। इसके अलावा बड़े बयानों की अगर बात करें तो वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दी है और अपनी इस याचिका में वसीम रिजवी ने कहा कि कुरान की इन आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले वसीम रिजवी एक बार फिर चर्चा में है और इस बार मामला बड़ा है, क्योंकि इस बार वो इस्लाम छोड़कर हिंदू बन गए। जी हाँ, वसीम रिजवी का नया नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। अब इनका नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। एक मेरा सवाल है, अब वसीम रिजवी को किस नाम से जाना जाएगा? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। कुछ भी हो, लेकिन एक बार फिर वसीम रिजवी सुर्खियों में है और इस बार उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और अब वसीम रिजवी एक नए नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।